तो गाइज यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये है अदरक, हरी मिर्ची और ये टमाटर। टमाटर काफी महंगे थे, इसे देखो कितनी साइज भी इसकी कितनी छोटी छोटी हो गई है। और ये मैंने 120 रुपीज केजी लिया है, तो मैंने यहाँ पे 250 ही लेकर आई हूँ। तो अभी इसको कट करूंगी, काफी महंगा है, सोच समझ के करना पड़ेगा। तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर मसाला, जिसके लिए मैंने प्याज, 3 प्याज मैंने काट लिए मीडियम साइज के, और ये 2-3 हरी मिर्ची काट ली, अदरक का छोटा काट लिया, और ये 2-3 टमाटर मैंने काट लिया यहाँ पे, और ये देखिए 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया है मैंने। और ये जो हमारा मटर है वो फ्रोजन है, जो मैंने ये मटर लिया है फ्रोजन मटर लिया है। तो गाइस ये मैं फिर बनाने जा रही हूँ, और अभी प्रोसीजर मैं स्टार्ट करती हूँ। सो लेट स्टार्ट। हमने गैस ऑन किया और हम इसमें 2-3 चम्मच के आसपास ऑयल डाल देंगे। ये हमारा ऑयल इसमें डल गया, इसको गर्म करेंगे। सो गाइस ये हमने सूखी मिर्ची, तेज पत्ता ले लिया, और ये 5 तरह के मसाले इसमें हैं। ये धनिया है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये 4 डाल दिया हमने। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को। तो ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर, ये तीनों को साथ में ही डाल देंगे। ये हमने तीनों को साथ में डाल दिया है, अब इसको अच्छे से टमाटर को पका लेंगे। इसको हमको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो इसको अच्छे से हम 5 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारा मसाला हो गया, कुक हो गया, अब हम इसको मिक्सी में डाल पेस्ट बना लेंगे, इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई, सेम कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और ये पनीर है उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें पनीर डाल दिया है, और इसको अब फ्राई करना है। तो ये हमारा पनीर फ्राई, तो ये हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने मसाले को फाइनली कोर्स कर लिया था, और इसको हमने मसाले को यहाँ पे डाल दिया। तो ये हम पूरा मसाला अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम यहाँ डालेंगे ये नमक है, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और इसके अंदर धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर मिक्स है। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से हम सारे मसाले को एक साथ डाल देंगे, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके साथ। अभी हमारे मसालों ने कढ़ाई में तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा फ्रोजन मटर था वो हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने मटर डाल दिया है, इसको ये ऑलरेडी कुकड होते हैं, तो हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको हल्का सा सॉटे करना है। ये देखिए मैंने इसमें सब मसालों को मिला दिया है, और फिर हम इसमें जो हमारा पनीर था ये वो भी हम डाल देंगे। तो ये हमने पनीर को भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये हमारा मटर पनीर मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने को है, अब थोड़ा सा हमको इसको कुक करना है। तो इसका जो मसाले का जो पानी बचा था हमारा, ये जो मसाले का पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ी सी हमने यहाँ पे दही ली है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमने सबको भी मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने मिर्ची पाउडर थोड़ी कम डाली है, अगर आपको कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो और आप ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने इसमें बहुत कम मिर्च डाला है। ये देखिए गाइस हमारा ये मटर पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब हम इसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, और हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये मैंने कवर कर दिया है इसको। ये हमने थोड़ा सा मेथी लिया है, इसमें इतना मेथी ले लेंगे, और इसको हल्का सा रोस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, कढ़ाई तो ये बंद कर देंगे, और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे।
मेथी को रोस्ट करने के बाद इसका जो टेस्ट होता है ना वो दुगना हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। गाइस आप भी एक बार ट्राई करना मेथी को रोस्ट करके डालने की, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमारे मेथी रोस्ट हो चुके हैं, आप इसको निकाल देंगे हम। तो ये हमने जो मसाला मेथी को रोस्ट किया था वो हम इसको अच्छे से मसल के इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया है, और इसके बाद मैंने थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, ये देखिए है थोड़ी मलाई है, वो भी आप इसको ऊपर डाल देंगे, इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। देखिए गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं, दिखने में भी बहुत लाजवाब है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। सो गाइस ये हमारा पनीर मटर मसाला रेडी हो चुका है। गाइस मैंने ये मटर पनीर मसाला बनाया है, तो आपको कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप कमेंट्स करें, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।